हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ग्रीन पिस्टन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड हंटर 350 और KTM ड्यूक 200 के बारे में। ये एक कंपैरिजन वीडियो होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सी बाइक ज़्यादा बेहतर है। अगर आप इन फ्यूचर इन दोनों में से किसी एक बाइक को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं इन दोनों बाइक के लुक्स को लेकर। लुक्स की अगर बात की जाए तो दोनों ही बाइक काफ़ी अच्छी नज़र आती हैं। किसी भी एंगल से अगर आप इन बाइक को देखते हैं तो हर एक एंगल से ये बाइक आपको इम्प्रेस करने से नहीं चूकने वाली है। अगर हम लोग बात करते हैं KTM ड्यूक 390 के बारे में, तो अभी जल्दी में ही KTM ने इसका एक नया मॉडल लॉन्च किया है, 2023 वेरियंट, जिसके अंदर आपको LED हेडलैम्प नज़र आएगा। अगर हम लोग ड्यूक 200 की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक शार्पर स्पोर्टियर नेकेड बाइक नज़र आती है। वहीं अगर हम लोग देखते हैं हंटर 350 की तरफ तो यहाँ पर आपको रेट्रो प्लस मॉडर्न स्टाइल का एक मिक्स नज़र आने वाला है। दोनों ही बाइक मैं कहूँगा काफ़ी अच्छी नज़र आती है एंड दोनों ही बाइक का जो रोड प्रेजेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इन दोनों बाइक में से किसी एक को चूज़ करना लुक्स के मामले में ये एक मुश्किल काम हो सकता है। वैसे भी जो लुक्स हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि किसको कौन सी बाइक ज़्यादा बेहतर लगने वाली है। अब अगर बात की जाए इन दोनों बाइक के इंजन को लेकर, तो आपको हंटर 350 के अंदर नज़र आने वाला है 349cc का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 20.2 BHP की पावर एट 6100 RPM एंड 27 Nm का टॉर्क एट 4000 RPM। ये इंजन आपको 5-speed गेयरबॉक्स के साथ में दिखाई देने वाला है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं ड्यूक 200 के बारे में, तो यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला है 199cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 24.6 BHP की पावर एट 10000 RPM एंड 19.3 Nm का टॉर्क एट 8000 RPM। ये इंजन आपको 6-speed गेयरबॉक्स के साथ में दिखाई देने वाला है। यहाँ अगर आप पावर फिगर की तरफ ध्यान दें तो आपको ड्यूक 200 के अंदर BHP के मामले में मोर देन 4 BHP ज़्यादा नज़र आने वाली है हंटर 350 के कंपेयर में। लेकिन अगर हम लोग टॉर्क की तरफ ध्यान देते हैं तो आपको नज़र आएगा कि हंटर 350 के अंदर आपको मोर देन 7 Nm का टॉर्क ज़्यादा दिखाई देने वाला है ड्यूक 200 के कंपेयर में। अगर आप इन दोनों बाइक को टेस्ट राइड करते हैं तो आपको यहाँ पर ड्यूक 200 एक ज़्यादा क्विक बाइक नज़र आने वाली है। ड्यूक 200 के अंदर आपको ज़्यादा पिकअप नज़र आने वाला है एंड जो टॉप स्पीड है वो भी आपको ड्यूक 200 की ही ज़्यादा नज़र आएगी। जहाँ हंटर 350 आपको 120+ KMPH की स्पीड प्रोवाइड करेगी, वहीं ड्यूक 200 से आपको 140+ KMPH की स्पीड मिल सकती है। यानी कि पिकअप एंड टॉप स्पीड के मामले में आपको यहाँ पर ड्यूक एक ज़्यादा फास्ट बाइक नज़र आने वाली है। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के वेट को लेकर। ड्यूक 200 आपको नज़र आने वाली है 159 kg वेट के साथ में, वहीं हंटर 350 आपको नज़र आएगी 181 kg वेट के साथ में। यानी कि दोनों ही बाइक के बीच में आपको 22 kg का फ़र्क दिखाई देने वाला है। हंटर 350 यहाँ पर आपको 22 kg ज़्यादा हैवियर बाइक नज़र आने वाली है। बात अगर इन दोनों बाइक की सीट हाइट को लेकर की जाए तो आपको ड्यूक 200 के अंदर नज़र आने वाली है 820 mm की सीट हाइट, वहीं हंटर 350 आपको 790 mm सीट हाइट के साथ में नज़र आएगी। दोनों ही बाइक के बीच में आपको 32 mm सीट हाइट का डिफरेंस नज़र आने वाला है। अगर आपकी हाइट 5'4 से 5'5 के अराउंड है तो आप आराम से इन दोनों बाइक को राइड कर सकेंगे। इवन अगर आपकी हाइट 5'2 है तो आप आराम से हंटर 350 को राइड कर सकते हैं। हंटर 350 की जो सीट है वो आपको लोअर साइड पर नज़र आएगी। अगर बात की जाए इन दोनों ही बाइक के ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर, तो आपको ड्यूक 200 के अंदर नज़र आने वाला है 155 mm का ग्राउंड क्लियरेंस एंड हंटर 350 आपको नज़र आने वाली है 150 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में। दोनों ही बाइक आपको इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से कम ग्राउंड क्लियरेंस के साथ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अगर बात की जाए हंटर 350 के बारे में, तो यहाँ पे जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी लो है। अगर आप इस बाइक को ख़राब रास्तों के ऊपर राइड करेंगे, टूटी फूटी सड़कों के ऊपर राइड करेंगे, तो ये बाइक नीचे स्क्रैच होगी, नीचे टच होगी हाई बम्प वगैरह पर राइड करते हुए, स्पेशली अगर आप इसे पिलियन के साथ में राइड करते हैं तो। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं ड्यूक 200 के बारे में, तो मैं ये बता देता हूँ कि अगर आप इस बाइक को सोलो राइड करेंगे तो आपको इस तरह की जो परेशानियां हैं वो मुश्किल से ही फेस करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप ड्यूक 200 को पिलियन के साथ में राइड करते हैं तो यहाँ पर ये बाइक भी आपको हाई बम्प के ऊपर, टूटे फूटे रास्तों के ऊपर नीचे टच होती हुई नज़र आएगी, नीचे स्क्रैच होती हुई नज़र आने वाली है। यानी कि दोनों ही बाइक के अंदर इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा दिया जाना चाहिए था।
अगर बात की जाए इन दोनों बाइक के फ्यूल टैंक कैपेसिटी को लेकर, तो आपको दोनों ही बाइक ऑलमोस्ट सिमिलर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ में ही नज़र आएंगी। हंटर 350 के अंदर आपको नज़र आने वाला है 13 लीटर का फ्यूल टैंक, वहीं ड्यूक 200 आपको दिखाई देगी 13.4 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ में, यानी दोनों ही बाइक के बीच में आपको सिर्फ 0.4 लीटर का डिफरेंस नज़र आने वाला है। बात अगर माइलेज फिगर को लेकर की जाए तो आपको हंटर 350 अराउंड 37 kmpl का माइलेज प्रोवाइड करने वाली है, वहीं ड्यूक 200 आपको अराउंड 32 kmpl का माइलेज प्रोवाइड करने वाली है, यानी माइलेज के मामले में आपको हंटर 350 यहां पर आगे नज़र आने वाली है। अब अगर सस्पेंशन सेटअप को लेकर बात की जाए तो आपको हंटर 350 के अंदर नज़र आने वाला है फ्रंट में सिंपल टेलीस्कोपिक 41mm फॉर्क, एंड रियर में आपको नज़र आएगा ट्विन शॉक एब्जॉर्बर। वहीं ड्यूक 200 के अंदर आपको फ्रंट में नज़र आने वाला है 43mm अपसाइड डाउन फॉर्क, एंड रियर में आपको नज़र आएगा मोनोशॉक सस्पेंशन। अगर हम यहाँ पर सस्पेंशन के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो मैं ये बता देता हूँ कि हंटर 350 आपको यहाँ स्टीफर सस्पेंशन सेटअप के साथ में नज़र आने वाली है, वहीं ड्यूक 200 के अंदर आपको सॉफ्टर सस्पेंशन सेटअप नज़र आएगा। यानी कि अगर आप इन दोनों बाइक को ख़राब रोड कंडीशन पर राइड करते हैं, टूटे फूटे रास्तों के ऊपर राइड करते हैं, तो ड्यूक 200 का जो सस्पेंशन सेटअप है वो आपको गड्ढों को, पोर्टहोल्स को काफ़ी अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करता हुआ नज़र आने वाला है। वहीं हंटर 350 के साथ राइड करते हुए आपको जो ख़राब रोड कंडीशन है, जो गड्ढे वगैरह हैं, जो हाई बम्प वगैरह हैं, उन्हें अपनी बॉडी के ऊपर फेस करना पड़ेगा। यानी कि अगर हम लोग इन दोनों बाइक को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर ड्यूक 200 आपको सस्पेंशन के मामले में एक ज़्यादा बेहतर बाइक नज़र आती है। अगर बात की जाए इन दोनों ही बाइक के ब्रेकिंग सिस्टम को लेकर, तो आपको दोनों ही बाइक डुअल चैनल ABS के साथ में नज़र आने वाली है। हंटर 350 के अंदर आपको सिंगल चैनल ABS का ऑप्शन भी दिखाई देता है, जहां आपको रियर में ड्रम ब्रेक दिखाई देंगे। अगर हम लोग बात करते हैं ब्रेक साइज़ को लेकर, तो आपको हंटर 350 में फ्रंट में नज़र आने वाला है 300mm का डिस्क, एंड रियर में आपको नज़र आएगा 270mm का डिस्क ब्रेक। वहीं ड्यूक 200 के अंदर आपको फ्रंट में नज़र आने वाला है 300mm का डिस्क ब्रेक, एंड रियर में आपको नज़र आएगा 230mm का डिस्क ब्रेक। ब्रेकिंग बाइट की अगर बात की जाए, ब्रेकिंग परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए, तो दोनों ही बाइक आपको अच्छा परफॉर्म करती हुई नज़र आएंगी। अगर बात की जाए दोनों बाइक के टायर साइज़ को लेकर, तो आपको ड्यूक 200 के अंदर फ्रंट में नज़र आने वाला है 110x70 का 17 इंच का टायर, एंड रियर में आपको नज़र आएगा 150x60 का 17 इंच का टायर। वहीं हंटर 350 के अंदर आपको दो वेरियंट दिखाई देते हैं, रेट्रो एंड मेट्रो। मैं यहाँ पर मेट्रो वेरियंट के टायर साइज़ आपको बताने वाला हूँ। मेट्रो वेरियंट के अंदर ज़्यादा वाइड टायर आपको मिलते हैं। हंटर मेट्रो के अंदर आपको फ्रंट में नज़र आएगा 110x70 का 17 इंच का टायर, जैसा कि ड्यूक में भी दिखता है, एंड रियर में आपको नज़र आएगा 140x70 का 17 इंच का टायर। यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपको ड्यूक 200 के अंदर रियर में ज़्यादा वाइड टायर नज़र आने वाला है। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के एक्स शोरूम प्राइजेस को लेकर, तो हंटर 350 के बेस वेरियंट के लिए आपको पे करने होंगे 1.50 लाख रुपीज़, एंड वहीं आपको हंटर 350 के टॉप वेरियंट के लिए पे करने होंगे 1.75 लाख रुपीज़। यहाँ जो मैंने आपको प्राइसेस बताए हैं ये राउंड फिगर के अंदर बताए हैं। वहीं ड्यूक 200 के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 1.97 लाख रुपीज़। यहाँ पर भी आपको मैंने जो प्राइस बताए हैं वो राउंड फिगर के अंदर बताए हैं। अब अगर आप यहाँ प्राइस में डिफरेंस देखें तो आपको नज़र आने वाला है कि KTM ड्यूक 200 यहाँ एक ज़्यादा कॉस्टली बाइक है। ड्यूक 200 के लिए आपको 22,000 रुपीज़ से लेकर 47,000 रुपीज़ ज़्यादा पे करने होंगे। एक्स शोरूम प्राइसेस में मैंने आपको ये डिफरेंस बताया है, जो कि ऑन रोड प्राइस में ये जो गैप है थोड़ा सा इंक्रीज ही हो जाएगा। अब बात करते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में कि आपके लिए कौन सी बाइक ज़्यादा ठीक रहेगी। तो मैं ये बता देता हूँ कि अगर आपको एक रेट्रो बाइक को राइड करना है, अगर आप स्टिफर सस्पेंशन सेटअप के साथ में मैनेज कर सकते हैं, 120 kmph की स्पीड है वो आपके लिए एनफ है। अगर आपको एक लो सीट हाइट वाली बाइक चाहिए, अगर आपको स्लो पेस में राइड करना होता है, मेनली आपको सिटी के अंदर ही राइड करना होता है, लो ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में आप मैनेज कर सकते हैं, एंड जो बाइक का बजट है वो भी आपके लिए मैटर करता है, फिर मैं कहूँगा कि रॉयल एनफील्ड हंटर 350 आपके लिए हो सकती है। वहीं अगर आपको एक ज़्यादा क्विक मशीन को राइड करना है, अगर आपको एक ज़्यादा फास्ट मशीन राइड करनी है, एंड आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह है वो डिजिटल चाहिए, आपको एक नेकेड स्पोर्ट्स बाइक को राइड करना है, एंड आपको एक सॉफ्टर सस्पेंशन वाली बाइक को राइड करना है, और जो बाइक का बजट है वो आपके लिए मैटर नहीं करता है, तो फिर मैं कहूँगा कि ड्यूक 200 आपके लिए हो सकती है। फिलहाल इस वीडियो क्लास में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर आप इन दोनों में से किसी भी बाइक को परचेज़ करना चाहते हैं तो उसको एक बार टेस्ट राइड करके ज़रूर देखें।
और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि फ़िलहाल में ही KTM ने ड्यूक 200 को लॉन्च किया है। अगर आप 2023 ड्यूक 200 के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं तो आपको आई बटन के अंदर लिंक दिखाई दे जाएगा। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर ड्यूक 200 का नया मॉडल भी KTM की तरफ से लॉन्च कर दिया जाए। तो फिलहाल ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और चीज़ के बारे में बात करते हुए।